हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देख रहे हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 2 है हमारा हिंदी में। यहाँ पर दोस्तों आप इंडेक्स देख सकते हो और इसमें आप देख सकते हो कि आपका यूनिट नंबर जो 4 है वो पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर जो 5 है उसका हम देख रहे हैं यहाँ पर लेसन नंबर 2। और ये कम्प्लीट होते ही आपका जो सब्जेक्ट है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा, जो कि इस वाली वीडियो में आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी पूछना है आपको तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात है कि ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद है हमारी ये वेबसाइट है www.eklavyasnatak.com। एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल पे जितनी भी आपकी चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। आप इसको गूगल में सर्च कीजिए और एक बार विजिट करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम जो है अपना चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पहला लेसन था इसका यूनिट नंबर 5 का स्टॉक मार्केट बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी का पार्ट 2 है। इसका भी नाम है स्टॉक मार्केट सम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। ठीक है, तो इसको इसमें क्या है कि आपके कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि इक्विटी क्या होता है, इसमें जो प्रिफ्रेंस शेयर है वो क्या होता है, डिविडेंड यानी कि लाभांश वो क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है हम यहाँ पर बातचीत जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक्स की। ठीक है, तो जब भी आप बेसिक्स की यहाँ पर बात करोगे तो आप ये समझ के चलोगे यहाँ पर कि जो इक्विटी है और जो शेयर है और जो स्टॉक है यानी कि जो तीनों नाम है इसको आप जो है एक ही समझोगे। अगर एडवांस में जाओगे तो एडवांस में इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक में आप इसको सेम टू सेम एक ही चीज़ मान के चलोगे, यानी कि इक्विटी भी सेम बात है, शेयर भी सेम बात है, स्टॉक भी सेम बात है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो ये कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो शेयर होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी ने कंपनी बनाई और उस ओनर के पास जो है कंपनी का यहाँ पर जो 100% जो शेयर है वो है। ठीक है, उसके बाद उसने फंडिंग उठाई तो उसके पास जो है यहाँ पर मान के चलते हैं 30-40% शेयर बच जाता है। उसके बाद वो IPO लाया अपनी कंपनी का, और IPO लाने के बाद मार्केट में उसने अपने 5% या 10% जो शेयर है उसको यहाँ पर जो है डाल दिया। अब उसी मार्केट में जो भी उसने शेयर डाले अपने 5-10%, उसी के अंदर बहुत सारे शेयर होते हैं, और हम जो नॉर्मल बंदे हैं वो स्टॉक मार्केट से जो शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास कुछ जो पॉइंट है वो शेयर वो आ जाता है। ठीक है, आप बहुत बड़ी मात्रा में खरीदोगे तो हो सकता है आपके पास 1-2% भी शेयर आ जाए। ठीक है, वैसे हम जो है कुछ अगर 1-2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर या 1000 शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास उस कंपनी का एक छोटा सा जो हिस्सा है वो आ जाता है, और उतने हिस्से के लिए हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। आगे आपको यहाँ पर समझिए, देखिए इक्विटी किसी कंपनी के स्वामित्व की सीमा को दर्शाता है, यानी कि उस कंपनी का अगर हम एक भी शेयर खरीदते हैं तो 0.0 या कुछ कुछ हम वहाँ पर जो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। वैसे वो नाम के लिए होता है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसमें हम वोटिंग का जो टाइम आता है तो किसी निर्णय के लिए यहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हो, बस इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। एक इक्विटी जिसे आमतौर पर साधारण शेयर के रूप में भी जाना जाता है, देखिए इक्विटी को ही हम शेयर बोलते हैं और शेयर को ही हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको ये आपको समझ लेना है। एक आंशिक स्वामित्व है जहाँ प्रत्येक सदस्य एक आंशिक मालिक होता है। देखिए स्टॉक मार्केट ने में जिसने भी उस कंपनी के शेयर ले रखे हैं वो कुछ ना कुछ उस कंपनी का मालिक है, इतना आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदा है, यानी कि आपके पास उस कंपनी का कुछ परसेंटेज जैसे 5%, 10%, तो फिर उसमें जो है आपके पास जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत जो बातचीत है वो हो जाती है, नहीं तो यहाँ पर जो है कुछ खास जो है वो होता नहीं है। जैसे ही कंपनी यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमाती है तो आपको है उसके बदले डिविडेंड मिल जाता है, और जैसे ही उस कंपनी की वो बढ़ती है, वैल्यूएशन बढ़ती है, वैसे वैसे आपका शेयर प्राइस जो है वो भी बढ़ता है। यही सारी चीज़ें होती है बस। ठीक है, किसी भी संगठन में इस प्रकार के शेयर धारकों के पास वोट देने और कंपनी के प्रबंधन को चुनने का अधिकार होता है। देखिए होता क्या है, हमारे पास जो शेयर होते हैं उस कंपनी के, आपके पास जो कंपनी के शेयर होंगे तो उससे आपके पास क्या अधिकार होंगे, आपके पास होंगे वोट डालने का अधिकार। किसी समय क्या होता है, कंपनी में कुछ अनबन हो जाती है, मान के चलिए मैनेजमेंट से मैनेजमेंट इधर उधर हो रहा होता है कुछ, तो उस समय आपके पास वोट डालने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आपके मेल पर आएगा, आपने जो भी यहाँ से डिस्काउंट ब्रोकर से आपने वो बना रखा है आपके मेल में आएगा वो लिंक,
और आप जो है उसमें जाकर अपना वोट डाल सकते हो कि कंपनी में इसे रहना चाहिए इसे नहीं रहना चाहिए, आप अपनी राय दे सकते हो। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको समझ में। उसके बाद देखिए, इक्विटी पूंजी पर लाभांश की कोई निश्चित दर नहीं होती। देखिए, इक्विटी जो भी आपके पास जो शेयर पड़े हुए हैं उस कंपनी के, उसका आपको लाभांश मिलता है। लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट वो अपने शेयर धारकों से यानी कि हमसे बांटती है, और वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है बहुत कम भी हो सकता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड कम देती है, बहुत जो होती है वो डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा भी दे देती है, और जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होता है उसको डिविडेंड उतना ज़्यादा मिलता है। लेकिन कोई यहाँ पर निश्चित दर नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। हो सकता है पिछली बार कंपनी ने कम दिया और इस बार ज़्यादा दे, हो सकता है इस बार ज़्यादा दिया और पिछली बार कम दे। तो ये उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में। डिविडेंड के ऊपर वैसे पूरा एक टॉपिक भी है, उसमें हम समझेंगे डिविडेंड क्या होता है और अच्छे से। तो आपको यहाँ पर जो है आगे समझ में, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं वरीयता शेयर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीफ्रेंस शेयर। देखिए, जो प्रीफ्रेंस शेयर होता है ना, वो नॉर्मल शेयर की तुलना में थोड़े ज़्यादा इसके अंदर में आपको लाभ मिलते हैं। ठीक है, अब वो किस किस प्रकार के आपको जो लाभ इसमें देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे। प्रिफरेंस शेयर धारकों को, यानी कि जो यहाँ पर जो प्रिफरेंस शेयर धारक होते हैं, उनको सामान्य शेयर धारक की तुलना में थोड़े ज़्यादा लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से लाभ हैं वो समझते हैं। इन्हें इक्विटी शेयर धारकों से पहले डिविडेंड प्राप्त होता है, ये बात आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल शेयर धारक हो, यानी कि आप इक्विटी शेयर धारक हो, ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर जो फायदा देखने को मिल सकता है प्रिफ्रेंस वाले में, क्योंकि जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो डिविडेंड जो है सबसे पहले मिलता है यहाँ पर प्रिफ्रेंस शेयर धारक को, उसके बाद यहाँ पर इक्विटी शेयर धारक की यहाँ पर बातचीत आती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर डिविडेंड घोषित किया जाता है तो वरीयता शेयर धारकों को डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड अगर मिलना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर वरीयता शेयर धारकों को, उनको ही यहाँ पर क्या है जो डिविडेंड है वो मिलेगा सबसे पहले। जो वरीयता शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक के रूप में भी माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ पर जो है थोड़े ज़्यादा अधिकार होते हैं। जैसे कि आपने देख लिया, पर डिविडेंड वगैरह जो है इनको सबसे पहले मिलता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक और बात होती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो कि है जो वरीयता शेयर धारक होते हैं ना, उनके पास यहाँ पर मतदान डालने का अधिकार नहीं होता, यानी कि वोट वगैरह वो नहीं कर सकते। और जबकि एक नॉर्मल जो इक्विटी शेयर धारक है, जिनके पास इक्विटी है, वो क्या है वो अपना वोट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आपको वरीयता शेयर समझ में आ गया, तो ये इतना ही था। उसके बाद देखते हैं अगला। ये देखिए दोस्तों, अब जो है हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, वो टॉपिक है हमारा लाभांश। लाभांश का मतलब होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो इसे समझते हैं। पहले मैं आपको जो है बता दूं, एक अभी बताया था मैंने आपको जस्ट कि डिविडेंड क्या होता है, दोबारा से बता देता हूं और फिर ये सारी की बातचीत करेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए डिविडेंड का साफ सीधा सरल मतलब आप ये समझिए, कोई भी कंपनी है, टाटा मोटर्स को लेके चलते हैं, टाटा की एक कंपनी टाटा मोटर्स, उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद जो भी वो अपने शेयर धारकों के साथ यानी कि हमारे साथ बांटना चाहती है अपने प्रॉफिट को, थोड़ा बहुत जो बांटती है वो सभी शेयर धारक को मिल जाएगा। ठीक है, वही हमारा डिविडेंड होता है। डिविडेंड बांटने के कई सारे तरीके होते हैं। हो सकता है कि वो आपको कैश दे दे। ठीक है, मतलब कैश का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ में आके मतलब पैसे देंगे। कैश का मतलब होता है कि आपको ट्रांजेक्शन होगा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी भी ऐप के साथ जो लिंक होगा, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, इनके साथ जो लिंक होगा, तो जो डिविडेंड है ये कभी भी उन ऐप में नहीं आता है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है जो आपका सेविंग अकाउंट है जिससे आपने उसको लिंक किया है। ठीक है, तो उसके अंदर ही आपका जो लाभांश है ये आपका आ जाता है, और ये कंपनी खुश होके देती है कि चलो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों की वजह से ही हम ये काम कर रहे हैं, तो हम अपने इन्वेस्टर के साथ भी अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बांटें। तो यही होता है यहाँ पर डिविडेंड। आपको समझ में आ गया, अब समझते हैं यहाँ पर कि क्या बातचीत लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के लाभ का एक हिस्सा शेयर धारकों को भुगतान किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा शेयर धारकों को, यानी कि उस कंपनी के शेयर जिसके पास है उसको यहाँ पर दे देती है, हम जैसे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, लाभांश का तात्पर्य होता है, यानी कि लाभांश का मतलब होता है उस इनाम से जो नगद हो सकता है,
अन्यथा वह अपने शेयर धारकों को भी देती है एक कंपनी का हिस्सा। यहाँ पर देखिए, नकद भी हो सकता है और वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है जो कंपनी अपने शेयर धारकों को देती है। ठीक है, नकद का मतलब हो गया कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है यहाँ पर पैसे आपको मिल जाएंगे, जैसे आप फोन पे से और UPI वगैरह से ट्रांजेक्शन होती है ना आपकी, उसी सिंपल तरीके से आपके जो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये डिविडेंड। ठीक है, तो वो क्या है, वो इनाम का जो हिस्सा है वो नगद के रूप में अपने जो शेयर धारक है, जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी उस कंपनी के शेयर रखे हुए हैं, उनको वो दे देती है। ठीक है, एक कंपनी अपने शेयर धारक को कंपनी के मुनाफे में से एक निश्चित राशि का भुगतान करती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो डिविडेंड है जो एक कंपनी अपने यहाँ पर शेयर धारक को देती है, अपने मुनाफे का थोड़ा सा हिस्सा, उसकी जो एक डेट होती है वो निश्चित होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि जो पिछले समय पिछले साल जिस डेट को दिया था उसी डेट को देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अनाउंस करते हैं। आपने अभी आप गूगल कर सकते हो कि किस कंपनी का जो डिविडेंड है वो आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को यहाँ पर जो डिविडेंड है वो इस कंपनी का आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है, पहले ही बता देते हैं कि हम जो है इतना परसेंटेज जो डिविडेंड है वो देने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है डिविडेंड का काम चलता है। तो भुगतान करके जो है ये पुरस्कार देती है एक तरीके से, ये जो कंपनियाँ होती है अपने शेयर धारक को यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को इस तरीके से पुरस्कृत करती है। ऐसी राशि को यहाँ पर लाभांश कहते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर हम लाभांश कहते हैं, या आप डिविडेंड बोल लो, सेम बात है। ठीक है, लाभांश अलग अलग रूपों में भी जारी किया जा सकता है। देखिए, लाभांश देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो आपको नगद का मतलब यही हो गया, आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, नगद दे सकती है, स्टॉक के रूप में दे सकती है, या किसी अन्य रूप में भी दे सकती है। ठीक है, तो आगे आपको डिविडेंड का यहाँ पर सारी चीज़ समझ में। यहाँ पर देखिए, किसी कंपनी का लाभांश उसके निर्देशक मॉडल द्वारा दिया जाता है। देखिए, जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारा सोच विचार किया जाता है। सोच विचार क्या किया जाता है, देखिए कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। सबसे पहले जैसे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ले लेते एग्जांपल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने इतना जो है यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया, तब उनके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं यानी कि जिन्होंने भी वो शेयर्स ले रखे हैं उनको डिविडेंड दे दें, उनमें से क्या कहते हैं प्रॉफिट में से थोड़ा सा, या क्या कर सकते हैं, वो जो डिविडेंड का जो अमाउंट होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा कहने के लिए आपके लिए, क्योंकि आपके अकाउंट में वो थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं ले रखे हैं तो, लेकिन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है वो, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स होते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा देना यानी करोड़ों में हो जाता है वो। तो वो क्या कर सकती है, वो अपने बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत सोच समझ के यहाँ पर कंपनी ये देखती है कि मैं डिविडेंड दूँ या नहीं दूँ, या उसी को दोबारा से री इन्वेस्ट करके अपना और प्रॉफिट जनरेट करूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब डिविडेंट अच्छा होता है या बुरा होता है, देखिए डिविडेंट अगर आपको मिल जाता है तो आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी के लिए एक तरह से आप समझो कि वो पैसे चले गए, अगर वो उसको वो करके री इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट वो कमा सकते थे तो भी आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि जैसे ही वो और प्रॉफिट कमाएंगे तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, और जैसे ही वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप ये समझिए बस यहाँ पर कि डिविडेंड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। शेयर धारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, कई बार क्या होता है इसके लिए भी यहाँ पर वोटिंग वगैरह होती है कि डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत सोच विचार होता है और जो ये सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। अब यहाँ पर हम समझते हैं लाभांश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि जब डिविडेंड दिया जाता है तो उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे करके जो डिविडेंड है वो दिया जाता है। ठीक है, देखिए नगद, नगद का मतलब है ये भुगतान का सबसे विशिष्ट रूप है, इसमें निगम से शेयर धारकों को नगद का सीधा हस्तांतरण होता है, यानी कि आपको पास जो पैसे हैं वो पैसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सबसे पहला तरीका यही है, सबसे फेमस तरीका यही है और लगभग यही होता है। ठीक है, 90% 95% केस में यही होता है, आपको इसी तरीके से जो है यहाँ पर पैसे मिलते हैं। अभी तक मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है और जितने भी शेयर्स हैं उन सब ने ऐसे ही डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो आप समझिए भुगतान आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में यहाँ पर किया जाता है, वही आपका जो ऑनलाइन तरीका उसी तरीके से किया जाता है, चेक या नगद के माध्यम से भी किया जाता है, ये बात यहाँ लिखी हुई है पर मैंने अभी तक नहीं देखी है, हो सकता है कि पहले हुआ होता होगा ऐसा। ठीक है, पहले चेक के रूप में देते होंगे या नगद देते होंगे, ऐसा अभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं जो भी अकाउंट आपने वहाँ पर लिंक किया। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड, इसी तरीके से आता है। स्टॉक, नए शेयर जारी करने के माध्यम से
शेयरधारकों को स्टॉक का लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है दोस्तों। इसमें देखिए क्या होता है, कंपनी क्या करती है, शेयर दे देती है, जिसके पास जो शेयर है उनमें से उनका जो शेयर का काउंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब इस शेयर के रूप में वो आपको डिविडेंड दे दें, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो सकती है। अन्य अन्य का मतलब होता है दोस्तों, इसमें कंपनी क्या करती है, किसी कंपनी के पास निकट भविष्य में लाभांश जारी करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती। अब देखिए होता क्या है, आपको लाभांश तो तभी मिलेगा जब लाभ हुआ हो, यानी कि आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन कंपनी खुद ही घाटे में चल रही है, वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी, तो क्या होगा वहाँ पर, वहाँ पर आपको जो डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा, या तो बहुत कम मिलेगा, वो 1% डिविडेंड अनाउंस करेंगे या तो उससे भी कम, या तो वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको डिविडेंड देना ही नहीं है। तो ऐसा भी यहाँ पर सीन जो है वो देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिनको डिविडेंड स्टॉक्स ही बोल दिया जाता है, क्योंकि उन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, वो 5% 10% का डिविडेंड दे देते हैं। अब 5% 10% का डिविडेंड बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया अमाउंट जो है वो डिविडेंड के रूप में ही मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिविडेंड स्टॉक्स पसंद होते हैं, जो वहाँ पर क्या है उसी स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। पर्सनली मुझे जो है डिविडेंड वाले स्टॉक्स पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी उन डिविडेंड दिए हुए पैसों को ही इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस में तो वो और अच्छा कर पाएगी। कंपनी पास जितना ज़्यादा जो कैश होगा तो वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो शेयर का प्राइस थोड़ा गिर जाता है, तो बात तो वही हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ देखने को मिलती है आपको जो है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा लाभांश के प्रकार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट तो आप सभी को पता है, जब भी आप जो है वहाँ पर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका अकाउंट खुलता है, आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ये जो आपके अकाउंट है ये दोनों अकाउंट आपके वो कंपनी वाले ही खोल के देंगे, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। ठीक है, तो यही आपके वो खोल के देते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, आप पैसे ऐड करते हो, उसके बाद शेयर्स खरीदते हो, तो वो आपके यहाँ पर डीमेट अकाउंट में आता है। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, अभी तो ये ऑनलाइन तरीका हो गया है और ये डिजिटल रूप में आपको शेयर मिलते हैं। पहले क्या होता था, ये ऐसा तरीका नहीं होता था, तो आपको जो है लेटर के फॉर्म में, यानी कि आपको ने अगर कोई शेयर खरीदा है तो आपको बहुत समय लगता था पहले तो शेयर खरीदने में, उसके बाद आपको पेपर के फॉर्म में वो चीज़ें मिलती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है डिजिटल हो गया, तो आप बाय पे क्लिक करोगे, आपको वहाँ पर जो शो हो जाएगा कि आपके डीमेट अकाउंट में कितने शेयर आपके आ गए हैं। वैसे वो आते नहीं हैं, वो आपको दिखते हैं, बस 1-2 दिन का समय लगता है, उसके बाद वो आपके जो अकाउंट में है वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ समझिए डीमेट अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो एक डीमेट खाता निवेशकों को शेयर और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में मदद करता है। मैंने आपको बताया ना, आपके जो शेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो है आपके डीमेट अकाउंट के ही अंदर जो है वो आती है और वहीं पर सुरक्षित रहती है। ठीक है, डीमेट यानी कि डीमेटियलाइजेशन का संक्षिप्त रूप है, यानी कि आपके जो शेयर्स होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निवेशक के भौतिक प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया गया। मैंने आपको बताया ना, पहले के समय में क्या होता था, हार्ड कॉपी हुआ करती थी, भौतिक प्रमाण पत्र, यानी आपको एक प्रमाण पत्र की तरह एक बड़ा सा मिलता था पत्र टाइप का। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और अब सारी जो चीज़ें हैं वो ईजी हो गई है। भारत में डीमेट खाते की पेशकश वर्ष 1996 में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, मतलब कि ये जो तरीका है ये डीमेट वाला, ये 1996 से यहाँ पर जो है शुरू हुआ था। उससे पहले अगर आप बातचीत करोगे तो सबको वैसे ही वो प्रमाण पत्र के फॉर्म में ही लेना पड़ता था, और जिन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था 1990 से भी पहले, उनके पास वही पड़े हुए हैं, और अभी भी उनका प्रोसेस होता है, वो शेयर्स बिक सकते हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब ये वाला तरीका आ गया, नया वाला डीमेट अकाउंट वाला, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक बार जब स्टॉक्स को डीमेट खातों में डीमेटरियलाइज रूप में रखा जाता है तो भौतिक प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता कम होती है। देखिए अभी क्या होता है, अभी जो तरीका है बढ़िया है डीमेटरियलाइज वाला, इसके अंदर में क्या होता है कि आप कितने भी सारे शेयर्स रख लो, अलग अलग कंपनी के रख लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एक ही जगह पे है। लेकिन उस समय क्या होता था, आपको सारी चीज़ें अलग अलग करके रखनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो मानने वाली बात है, हो सकता है कि हम इस जनरेशन के हैं तो हमें ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है, इससे जो पुराने वाले बंदे होंगे उनको वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता होगा, उनको एक मिलता होगा कि हाथ में हाँ भाई कुछ चीज़ है, प्रमाण पत्र ले रखा है हमने, या हमारे शेयर्स है ये, कुछ हार्ड कॉपी टाइप में, तो
तो इस टाइप की चीज़ें होती है, जैसे हमें अभी PDF ज़्यादा पसंद आता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के खाते को डीमेटेरियलाइज खाता भी कहा जाता है। ये जो अपना डीमेट अकाउंट है ना, इसको डीमेटेरियलाइज खाता भी यहाँ पर बोला जाता है। और इसमें क्या क्या काम होता है वो सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही सारी बातचीत है। जो ये जो तरीका है, जो प्रोसेस है, क्या है ये भौतिक, वो जो हार्ड कॉपी था उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है शेयर्स को, और वहाँ पर आपके जो शेयर्स हैं वो रखे जाते हैं, सेफ होते हैं, और जो है वो आपके शेयर्स CDSL में आपके होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ही आपके उसको रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब सेफ होता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है जीरोधा वाले के पास या अपस्टॉक वाले के साथ, तो वो कुछ उसमें छेड़छाड़ कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। वो सरकारी कंपनी के पास वो सारी जो चीज़ें हैं वो रखी रहती है, सेफ होता है सारी चीज़ें। ठीक है, और सेबी तो आपको पता ही है, सेबी कितना ज़्यादा कड़क है, तो वैसे ही होता है। जिसे बनाए रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान होता है, और दुनिया भर में कहीं से भी इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कोई इसमें दिक्कत वाली बातचीत जो है वो नहीं होती। ये एक ही स्थान पर आप इसे रख सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो, अभी शेयर्स कितने बढ़े कितने घटे, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर डीमेट अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना डीमेट अकाउंट। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब हम देखते हैं यहाँ पर इंतजार की अवधि। देखिए इंतजार की अवधि का मतलब होता है होल्डिंग पीरियड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। होल्डिंग पीरियड वह पीरियड होता है आपने शेयर खरीदा और आपने शेयर बेचा, उस बीच का जो टाइम होता है वो आपका होल्डिंग पीरियड होता है, यानी कि कितने समय के लिए आपने शेयर को होल्ड करा। ठीक है, अच्छी कंपनी के शेयर अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करोगे तो आपको उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब समझते हैं यहाँ पर होल्डिंग पीरियड। देखिए होल्डिंग अवधि सीधे शब्दों में कहे तो वह अवधि है या अवधि है जिसके लिए एक निवेशक निवेश को बेचने से पहले अपने पास रखते हैं। आगे आपको समझ में, आपने शेयर खरीदा और आपने शेयर बेचा, उसके बीच का जो समय है जब तक आपने उसे होल्ड किया अपने पास, वो आपका होल्डिंग पीरियड है, चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो। ठीक है, वो आपका वहाँ पर होल्डिंग पीरियड होता है, वह समय जिसके लिए किसी निवेशक के पास स्टॉक का स्वामित्व होता है, यानी कि जब तक आप उस स्टॉक के मालिक हो और बने रह रहे हो, तब तक वो स्टॉक आपका ही है, वो आपका होल्डिंग पीरियड होता है, उसे यहाँ पर होल्डिंग पीरियड जो है माना जाता है। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो होल्डिंग अवधि किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए समय की अवधि या किसी सुरक्षा की खरीद और बिक्री के बीच की अवधि है। ठीक है दोस्तों, बार बार जो है वही सारी बातें इसमें रिपीट हो रही है। अगर टू द पॉइंट समझो तो आपने शेयर खरीदा, जैसे मान के चलिए आज इस महीने की 5 तारीख को, और आपने जो है अगले महीने की 5 तारीख को उसे बेच दिया, तो आपने लगभग जो है उसे 28, 29, 30 दिन जो है उसे वहाँ पर होल्ड करा, क्योंकि आपके खरीदने के तुरंत ही नहीं आ जाता है वो, 1-2 दिन का समय लगता है और फिर वो आपके अकाउंट में आएगा और उस दिन से आपका काउंट किया जाएगा वहाँ पर होल्डिंग पीरियड। जितना दिन भी आपने उसको होल्ड करके रखा, यानी कि आप उसके मालिक बने रहे उस शेयर के, वो आपका होल्डिंग पीरियड होगा। ठीक है, यह किसी भी सुरक्षा के रिटर्न और कर लगने की प्रक्रिया को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए होल्डिंग पीरियड जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं उस शेयर को खरीदते हैं और जल्दी बेच देते हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर में बेच देते हैं, तो वो जो आपका जो दिक्कत आएगी वो आएगी टैक्स भरते समय, क्योंकि टैक्स भरते समय जब आप वहाँ पर जो है उसे दिखाओगे तो उस समय आपको जो है वहाँ पर देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाला जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसे लंबे समय के लिए होल्ड किया है तो वो आपको जो है वहाँ पर जो देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो उसमें क्या होगा आपको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, और मान के चलिए अगर आपने ज़्यादा इधर उधर नहीं किया और किसी कंपनी को 5 साल 10 साल तक होल्ड किया, तब आप जब उसे बेचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी वहाँ पर लगेगा, जो कि आपका कम होगा और आपको वो एक ही बार लगेगा। ठीक है, तो उसमें आपका जो है गेन भी ज़्यादा होगा और टैक्स भी कम होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर होल्डिंग पीरियड को समझना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लंबे समय के लिए बेचते हो तो लंबे समय तक होल्ड करने के बाद बेचते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, वैसे भी प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, गेन ज़्यादा हो जाएगा, वो आपका शेयर ज़्यादा प्रॉफिट देगा और टैक्स के नज़रिए से भी वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो होल्डिंग अवधि इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको क्या है टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, इसलिए जो है, तो ये आपको समझ में आ गया होल्डिंग पीरियड क्या होता है और होल्डिंग पीरियड से कैसे टैक्स बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर है एक नॉर्मल सी चीज़,
ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, देखिए, ये है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस का मतलब है जब भी मार्केट खुला, ठीक है, जैसे मार्केट खुला आपका 9:15 पे, तो उस समय जो है उसका प्राइस क्या था, और जब मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, ठीक है, तो उस समय जो है उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, वही वाली बातचीत होती है। जैसे मान के चलिए PNB का शेयर जो है वो मान के चलते हैं यहाँ पर 50 रुपये पे ओपन हुआ, 50 रुपये जब वो खुला मार्केट तो 50 रुपये का था, और जब वो क्लोज हुआ पर तो 60 रुपये का था। तो यही अपना ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होता है कि कितने पे ये ओपन था, कितने पे ये क्लोज था, ठीक है। एक वीकली वाला भी होता है, 52 वीक्स वाला, ठीक है, कि कितना हाईएस्ट था कितना लोएस्ट था, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च मार लेना एक बार किसी भी शेयर का नाम और शेयर प्राइस करके, तो आपको वहाँ पर सामने जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सूचीबद्ध समापन मूल्य व अंतिम कीमत है जो किसी ने एक्सचेंज के व्यवसायिक घंटों के दौरान उस स्टॉक के शेयर के लिए भुगतान किया है जहाँ स्टॉक का कारोबार होता है, ठीक है। तो वही सारी बात है, वो जो बिजनेस आवर्स होते हैं अपने, तो उसी के अंदर जो है उसका क्या प्राइस था ओपनिंग के समय और क्लोजिंग के समय, वही सारी जो चीज़ें हैं वही होती हैं। अब जैसे मान के चलिए इसमें लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि कम कीमत पर जो है इंट्राडे बोलते हैं उसको, तो कम कीमत पर उसको बेचते हैं सेम डे, सॉरी सॉरी, कम कीमत पर उसे खरीदते हैं सेम डे, और ज़्यादा कीमत पर उसको बेच देते हैं सेम डे। तो उसमें जो उनका कुछ प्रॉफिट होता है 5-10 रुपये का, अगर उन्होंने हज़ारों में शेयर लिए होते हैं तो उनके हज़ारों के वहाँ पर जो पैसे हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं लोग करते हैं। आरंभिक मूल्य यानी कि जो शुरुआत में जो भी था वो, और दिन खत्म होने के बाद का जो मूल्य है वो समान नहीं रहता है। आपको पता है ये समान कैसे रहेगा, उस समय जो है कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशन आएगी, या तो शेयर ऐसा हो सकता है कि शेयर जो है यहाँ पर जो है 50 रुपये पे खुला था, ओपनिंग प्राइस 50 है, और क्लोजिंग हो सकता है कि 40 हो, या क्लोजिंग हो सकता है कि 48 हो, ठीक है, 48 हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट खुलने के बाद जो प्राइस है वो बढ़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट खुलने के बाद जो प्राइस है वो कम हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि अंतिम उस खुलते समय जो ओपनिंग प्राइस होता है वो, और बंद होते समय जो उसका जो अंतिम प्राइस होता है, उन दोनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और ट्रेडिंग मैंने आपको बताया इंट्राडे के बारे में, तो इंट्राडे से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में यहाँ पर बेच देते हैं सेम डे, इंट्राडे बोलते हैं उसको, ठीक है। उसकी अलग फीस लगती है, जैसे अगर आप जो है होल्ड करके रखोगे शेयर्स की, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस नहीं लगेगी, पर इंट्राडे FNO इन सब की फीस जो है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी आप जो है कभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह मत कीजिएगा, पहले आप ट्रेडिंग सीखिए, अच्छे से समझिए क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जो अपना पैसा गंवाते हैं वो ट्रेडिंग के थ्रू ही गंवाते हैं, और ट्रेडिंग में भी FNO के थ्रू, ठीक है। और जो अगर आपने किसी शेयर को खरीदा और आपने लंबे समय तक होल्ड करा, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस जो है वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब हम समझते हैं बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है। जैसे मान के चलिए उस कंपनी को कोई खरीदना चाहता है, तो वो कंपनी कितने की मिलेगी, यानी कि उस कंपनी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है। अब ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलती रहती है, जैसे कि मान के चलिए एक शेयर की वैल्यू अगर 5% से नीचे गिर जाती है, तो वहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी गिरावट आएगी। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें यहाँ पर, जब हम शेयर की रिसर्च करते हैं, तो क्योंकि मार्केट कैप से हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितने की है, कितनी वैल्यू इसको मार्केट दे रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। कोई कंपनी होती है जिसको मार्केट हाई वैल्यू देता है, क्योंकि उस कंपनी में कुछ बात होती है, उस कंपनी में कुछ ऐसी बात है जो दूसरी कंपनी के में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए उसको हाई वैल्यू दी जाती है। कई सारी चीज़ें होती हैं। अब मार्केट कैप समझिए सबसे पहले कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। किसी कंपनी के सभी शेयर्स के कुल मूल्य को यहाँ पर मार्केट कैप कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक कंपनी का कितना प्राइस है और उस कंपनी के कितने शेयर्स अवेलेबल है, अगर आप उनको वो कर दोगे वहाँ पर, तो आपको जो है कुल मूल्य जो है उसका निकल जाएगा कि कितना मार्केट कैप है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी के आकार का एक मैप है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप से पता चल जाता है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के वर्तमान शेयर मूल्य के आधार पर उसका कुल मूल्य निकाला जाता है। देखिए, कुल मूल्य उसका तभी निकलेगा जब आपको उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू पता है और आपको ये पता है कि टोटल कितने शेयर्स हैं। अगर आप उसे जो है मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो आपको कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है पता चल जाएगा। मार्केट कैप से आपको ये भी पता चलता है कि कोई कंपनी कितनी स्थिर या कितनी जोखिम वाली है। देखिए मार्केट कैप से बिल्कुल ये पता चल जाता है कि वो कंपनी रिस्की है या नहीं है। अगर मार्केट कैप उसका स्टेबल बना रहता है यानी ज़्यादा उछाल नहीं आता ऊपर नीचे, तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है क्योंकि उसमें जोखिम कम है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, आप अगर इस कंपनी को देखोगे तो इसके मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, ना ही इसके शेयर्स कभी बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, ये स्टेबल है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको वही 8-10% 12% ऊपर नीचे हो सकता है, उतने आपको जो है इसमें सिंपल जो है रिटर्न देखने को मिल जाते हैं क्योंकि कंपनी स्टेबल है। और उसी के विपरीत अगर आप बात करोगे अडानी के शेयर्स, तो आपको पता ही अडानी के शेयर्स में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी सेम चीज़ बात होती है। तो ये सारी बातचीत होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें रिस्क का पता चल जाता है कि उस कंपनी में कितना रिस्क है कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन महत्वपूर्ण होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये संभावित निवेशकों को कंपनी और आकार का सही मूल्य समझने में मदद करती है। ये होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि आप किसी FMCG कंपनी का शेयर देख रहे हो, ठीक है, और आपने उसको कॉम्पिटिटर भी देखे कि इसका मार्केट कैप इतना है, इसका मार्केट कैप इतना है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसके पास ये मोट है, तो आपको रिसर्च करने में वहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये निवेशकों को किसी कंपनी के स्टॉक को भविष्य प्रदर्शन यानी कि भविष्य में वो क्या प्रदर्शन करेगी उसको देखने में, उसको समझने में मदद करती है। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दर्शाता है कि बाजार स्टॉक के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है, यानी कि ये दिखाता है कि बाजार ने उसको कितनी वैल्यू दे रखी है और बाजार में उसकी क्या इज्जत है। देखिए होता क्या है, कोई कितनी भी वैल्यूएशन बढ़ा ले लेकिन जब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तब जो शेयर मार्केट होता है उसको उसकी औकात दिखा देती है। ठीक है, आपको पता ही होगा बहुत सारे जो कंपनियां होती है वो अपना हाई वैल्यूएशन लेकर चलती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन करके वो अपना जो है यहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, और लिस्ट होते ही बस जो है धड़ाम से वो जो शेयर है वो गिर जाता है क्योंकि मार्केट को पता है कि ये अगर इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो इसको इतनी वैल्यूएशन देनी है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, ये निवेशकों को एक कंपनी के बदले दूसरी कंपनी की उसमें तुलना में आकार को समझने में मदद करती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अगर मान के चलिए एक IT सेक्टर का स्टॉक आप देख रहे हो, आपने ये सोचा है कि मैं IT सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, उसके जैसे 4 IT सेक्टर के स्टॉक आपको पता है तो आप चारों को देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप ये, इसका मार्केट कैप ये, इसका मार्केट कैप ये है, तो आप वहाँ पर रिसर्च करने में आपको आसानी होगी क्योंकि ये सेम कॉम्पिटिटर वाले का मार्केट कैप कितना है अगर आपको इस वाले में करना है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए आप बोनस शेयर। बोनस शेयर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बोनस के रूप में आपको यहाँ पर शेयर मिले, यानी कि आपको कोई और फालतू के पैसे नहीं देने हैं और बदले में आपको यहाँ पर फ्री में शेयर जो है देखने को मिले। जैसे कि आपने कंपनियों में देखा होगा कि जब त्यौहार का समय होता है तो बोनस मिलता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये बोनस शेयर है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर यहाँ पर ले रखे हैं और उस कंपनी के आप इन्वेस्टर हो, मतलब कि शेयर धारक हो, आपके पास वो शेयर है, तो बिना किसी दूसरे पैसे दिए यानी कि आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं और आपको यहाँ पर जो है थोड़े ज़्यादा शेयर जो है वो मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 10 शेयर हो तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाए, ठीक है, या आपके पास 20 शेयर हो तो एक शेयर मिल जाए, इस टाइप की आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये कंपनी की संचित कमाई होती है, ये कंपनी आपके साथ जो है शेयर करना चाहती है, खुशी से बोनस देना चाहती है एक तरह से, तो इसलिए इसको बोनस शेयर बोलते हैं। इसे लाभांश के साथ बिल्कुल भी मत जोड़िएगा, ठीक है, डिविडेंड जैसा सुनने में लग रहा है ये क्योंकि आपने पढ़ा कि डिविडेंड के रूप में शेयर भी दिए जाते थे, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये उससे अलग है। जो बोनस शेयर है, बोनस शेयर इसी टाइप में मिलता है, डिविडेंड भी मिल सकता है इसके साथ और बोनस शेयर भी मिल सकता है उसी साल में, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि डिविडेंड जो है वो अलग चीज़ है, बोनस शेयर अलग चीज़ है, और डिविडेंड के रूप में भी शेयर्स मिलते होंगे, मुझे नहीं मिले आज तक, मुझे पैसे ही मिले हैं। और जो है बोनस शेयर, आप समझिए कि बोनस शेयर में हमेशा आपको शेयर मिलता है। ठीक है, आपने उस कंपनी के पहले से शेयर ले रखे हैं तो आपको जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा शेयर जो है वो देखने को मिलते हैं और उसके बदले आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, मुफ्त में आपको वहाँ पर शेयर्स के बदले में शेयर्स जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। कंपनियाँ अपने स्टॉक को खुदरा निवेशक के रूप में अधिक आकर्षक बनाने के लिए बोनस शेयर जारी करती है। ठीक है, अपने कंपनी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए या अपने स्टॉक्स को आकर्षित बनाने के लिए यहाँ पर जो बोनस शेयर है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे आपको समझ में दोस्तों, देखिए यह शेयर बायबैक,
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ की शेयर्स को दोबारा से बायबैक किया जाएगा, यानी कि बाय करके वापस कंपनी खरीदना चाहती है इसको। तो शेयर बायबैक में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको खुद से बता दूँ, शेयर बायबैक का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे, ठीक है, उस कंपनी का अनाउंसमेंट आता है कि वो कंपनी अपने खुद के शेयर्स बेचना वापस लेना चाहती है, यानी बाय करना चाहती है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं शेयर बायबैक के, एक होता है जो मार्केट में पहले से ही शेयर्स फैले हुए हैं वो लिए जाए, और हो सकता है कि इन्वेस्टर के पास, यानी कि आपके पास जो भी उस कंपनी के शेयर है, आपसे ही कंपनी ज़्यादा पैसे दे के शेयर खरीद ले, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। उसमें जो है 20-30 रुपये का, 40 रुपये का, 50 रुपये का, कितने का भी जो प्रॉफिट है वो एक शेयर पर देखने को मिल जाता है। और ऐसा हो सकता है कि मान के चले कि आपके पास जो उस शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 670 रुपये, ठीक है, लेकिन जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम 700 रुपये के हिसाब से शेयर बायबैक करना चाहते हैं, और जिस इन्वेस्टर के पास है वो अप्लाई करिए। तो अगर आप अप्लाई करोगे कि मुझे भी अपने शेयर देने हैं क्योंकि आपको 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आपको देने हैं तो आपको जो है 700 के हिसाब से वो शेयर वापस ले लिए जाएंगे, और उतने ही पैसे आपके अकाउंट में वहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, यानी कि कंपनी अपने शेयर खुद ही खरीद लेती है जो भी उन्होंने मार्केट में पहले दिए होते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर से भी खरीद लेती है अगर किसी इन्वेस्टर के पास है। अब वो आपकी मर्जी है, आप उन्हें शेयर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, और नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये कंपनी के लिए एक ग्रीन साइन होता है, यानी कि कंपनी के लिए एक मस्त चीज़ होती है, अच्छी बात होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के जो लोग हैं उनको भरोसा है कि वो इस कंपनी को और ऊपर ले जाएंगे, इसलिए अपने शेयर जो है वो वापस ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात भी जो है, इसको पॉजिटिव साइन के रूप में माना जाता है शेयर बायबैक को, ठीक है। आप समझते हैं, यहाँ पर शेयर बायबैक या शेयर पुनर्खरीद, यानी कि खुद खरीदते हैं, ये तब होता है जब कोई कंपनी निवेशकों से अपने ही शेयर वापस खरीदने लग जाती है, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, यही सारी चीज़ें। इसे शेयर धारकों को पैसा लौटाने के वैकल्पिक तरीके के रूप में देखा जाता है। इससे क्या होता है, मान के चलिए कंपनी को ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने शेयर जो है मार्केट में डाल दिए, अब उनको ज़रूरत है, उनके पास पैसे आ गए हैं, प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो अपने शेयर्स वापस लेना चाहती है, ऐसा वो कर सकती है। शेयर बैक को शेयर पुनर्खरीद भी कहा जाता है। देखिए, शेयर बाय बैक को यहाँ पर हम पुनर्खरीद मतलब कि शेयर पुनर्खरीद भी कहते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये किसी कंपनी द्वारा किया जाता है और अपने ही शेयर को वो खरीदना चाहती है, उसी की प्रक्रिया है ये। कंपनी सीधे शेयर बाजार से शेयर खरीद सकती है या अपने शेयर धारकों से भी शेयर खरीद सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया था दो तरीका होता है, हो सकता है कि मार्केट में जो शेयर उनके फैले हुए हैं उन्हीं शेयर को खरीद ले आपसे ना बोले, या ऐसा हो सकता है कि वो मार्केट से भी खरीद ले और आपको भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आए कि अगर आपको अपने शेयर्स बढ़े हुए भाव पे बेचने हैं तो आप वहाँ पर बेच सकते हो, ठीक है। उसका एक निश्चित मूल्य तय किया जाता है और आपसे वो शेयर जो है खरीद लिया जाता है। मैंने ऐसा किया था, मेरे को प्रॉफिट हुआ था 7-8 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था शेयर बायबैक में, ठीक है। उन्होंने ऐसी मांग की थी कि हमें इस प्राइस पर अपने जो शेयर्स है वापस चाहिए। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। शेयर विभाजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शेयर विभाजन का मतलब होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कंपनी अपने स्टॉक्स को टुकड़ों में तोड़ती है, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने उनके जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको लगता है कि इन्वेस्टर हमारे शेयर को खरीद नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है, जिससे वो शेयर सस्ता बना रहे और लोग उसे वहाँ पर आराम से खरीद पाए, ठीक है। जैसे कि आपको IRCTC के केस में याद होगा, IRCTC का जो है 5 हज़ार के आसपास शेयर पहुंच गया था, महंगा हो गया था, तो फिर उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया गया कि वो थोड़ा सस्ता हो जाए। आगे समझ में आपको, अब आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ मैं आपको, MRF, ठीक है। MRF जो है 1 लाख से ऊपर का शेयर है उसका, और बहुत महंगा है वो। अब महंगा है तो इसका इंडिया का आप कह सकते हो सबसे महंगा शेयर है MRF का शेयर, और वो 1 लाख से ऊपर का क्यों है, क्योंकि आज तक उस कंपनी ने कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, यानी कि उन्होंने अपने शेयर को कभी टुकड़ों में तोड़ा ही नहीं। अगर वो तोड़ते तो सस्ता होता। अगर वो 1 लाख से ऊपर का है तो आपको ये नहीं समझना है कि वो सबसे बढ़िया ही कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मान रहा हूँ, लेकिन वो महंगी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब जो है उन्होंने नहीं किया, उनके पीछे उनके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट जो है नॉर्मल कंपनियाँ इसलिए करती है क्योंकि लोग जो है उस शेयर को खरीद पाए, क्योंकि उनका शेयर फिर सस्ता हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको पता है
कि आपको पूरा एक शेयर खरीदना पड़ता है। अगर आपको एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है तो आपको 1 लाख कुछ रुपए देने पड़ेंगे, जितने का एमआरएफ का शेयर चल रहा है अभी के समय में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। आमतौर पर कंपनी जो है ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनके शेयर जो है बहुत महंगे हो जाते हैं और छोटे निवेशक जो है उन शेयर को खरीद नहीं पाएंगे, उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ऐसे में कंपनी अपने शेयरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्हें खरीद सकें और बाजार में जो उनकी शेयर की डिमांड है वो बनी रहे, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं, स्टॉक स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आगे आपको समझ में सारी चीज़ें, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।